अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं अपने व्लॉग में आपको दिखाऊंगी अपना प्यारा सा गांव। यहाँ पे कितनी हरियाली है और यहाँ पे क्या क्या बीजते हैं खाने के लिए, जानवरों के, इंसानों के खाने के लिए जो जो यहाँ पे बीजा जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी सब व्लॉग्स में आपको मेरे गाँव का माहौल ज़रूर नज़र आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। ये देखें चावल, जिसे चोना भी कहा जाता है, धांज भी कहा जाता है, आपके अल्फाजों में आपको समझ तो आ गई होगी। इसे बीजे हुए को काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ कि इस पर चावल लगे हुए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, हरियाली देखे कितनी है यहाँ पे और कितना यहाँ का व्यू कितना की प्यारा है। और इस वाली साइड पर है घास और ये जानवरों के खाने का है, ये इंसानों के खाने का है और ये जानवरों के खाने का है, ठीक है। और आप यहाँ की लोकेशन देखें कितनी ज़्यादा प्यारी, और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मस्त हवा चल रही है। चलिए मेरे साथ आपको कुछ व्यूज दिखाती हूँ, आ जाइए। कुछ महीने, जैसे एक दो महीने हुए हैं और ये जो चावल हैं ये अभी कुछ दिन हुए हैं लगाए हुए। ये बहुत मुशक्कत के साथ लगाए जाते हैं, ये एक एक पौधा करके लगाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, इसकी ज़रा देखें, ये अभी लगा है। और हाँ, जहाँ पक कर तैयार हो गया है वो चावल मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, वो देखें। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं दिखा रही थी, इससे पहले मैं आपको पके हुए चावल दिखाऊं। मुझे ये छिल्ली यहाँ पर नज़र आ गई है जो बहुत शौक से सब खाते हैं, बच्चे बूढ़े सब ही। सर्दियों में तो इनके दाने हैं वो निकाल कर लोग उनको भूनते हैं और वो बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए छिल्ली भी यहाँ पर लगी हुई है, ये देखिए कुछ पकी हुई हैं कुछ कच्ची हैं, ये देख रहे हैं आप, इसमें तो दाने ही बहुत कम निकले हैं लेकिन ये बहुत अच्छी छिल्ली होती है, ये देखिए, ठीक है। और ये सिर्फ ये जो छलियाँ हैं वो हमारे काम आती हैं और ये जो उसका पौधा है ये खाने के काम आता है जानवरों के, ठीक है। और ये सब बहुत मज़े से खाते हैं, बच्चे बूढ़े छोटे सब ही, यहाँ तक कि हम भी बहुत मज़े से खाते हैं। ये हम कई तरीक़ों से इसे खा सकते हैं, बॉयल करके, भून के और इसके दाने निकाल के, और यहाँ तक कि अब तो बाज़ार से मिलते हैं, पहले घरों में ये दाने हैं जो वो भून के देती थी और उसमें गुड़ डाल के देती थी, वो गुड़ से बहुत ही मीठे और बहुत मज़े के ये बनते थे। अब आप आइए, मैंने आपको छल्ली तो दिखा दी है और अब मैं आपको दिखाऊँगी अपना चावल जो कि अब पक चुका है और तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में उसकी कटाई होगी और उसको चावल को निकाला जाएगा। चले अच्छा फ्रेंड्स, मैं जा रही थी रास्ते में, फिर मुझे कुछ नज़र आ गया चावल दिखाने आपको, मुझे नज़र आया है जानवरों का घास और जिसे जवार कहते हैं। ये जवार वो है जो जानवर सभी बहुत मज़े से खाते हैं, सर्दियों में अक्सर यही दी जाती है। और आपके अल्फाजों में ये जिसे नहीं पता जवार का क्या है उसको घास भी कहा जाता है। चले मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है वो जवार और घास। ये देखिए ये है जवार, ठीक है। और ये जो हमारे जानवर हैं वो बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत सारे काम आती है जवार, सिर्फ एक घास के तरीके से नहीं खाई जाती। बल्कि ये देखें कि यहाँ पे हम जब छोटे होते थे और यहाँ पे ये लगे हैं, ये देखें इसे पीलू कहते हैं, ये पीलू है, ये अभी तो कच्चा है, जैसे ये पक जाएगा ये येलो कलर का हो जाएगा और ये खाने के काम आता है, ये सब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और हाँ, एक मेन बात जो मैंने आपको बतानी थी, ये जो जवार है इसको हम जब वो कुछ ऐसे घर होते हैं जो गरीब लोगों के घर होते हैं छतों के लिए, उनके पास लंटर या छतें डालने का कोई जरिया नहीं होता, वो इनको पहले काट के धूप में रख लेते हैं और जब ये वहाँ पे खुश्क हो जाती है तो वो जैसे हमारा कंक्रीट होती है ना छत, इसी तरीके से वो अपनी छतों पर डाल के अपना गुजारा करते हैं। ये सिर्फ खाने के नहीं बल्कि हमारा सर ढकने के भी काम आती है, ठीक है। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ।
शेप की तरह ये होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे, और ये खाने के काम आते हैं। पहले लोग इसे, बच्चे जो होते थे वो यही चीजें खाते होते थे। अब के बच्चों का फैशन जरा अलग हो गया, लेकिन पहले यही बच्चे खाते होते थे, ठीक है ना। और ये कहते हैं बहुत मजे के होते हैं। अच्छा, अगर आप जब भी हमारे गांव में विजिट करने के लिए आएंगे, और आपको इंशाल्लाह मैं, अगर ये हुआ, इसका मौसम हुआ, तो मैं ये आपको ज़रूर खिलाऊंगी, ठीक है। ये बहुत यम्मी है। और इसके अलावा हमारे गांव में फ्रूट्स भी हैं, इसके यही बस घास शास नहीं है, इसके अलावा फ्रूट्स भी हैं, मैंगो भी है और मौसम्मी भी हैं, अंगूर भी हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो काश्त के लिए बहुत अच्छी है। और मेरे सुनने में तो आया है, जब से मेरी शादी हुई मैं यहाँ पे आई हूँ, कि यहाँ का जो बाग है आमों का, उसे अवार्ड भी मिलता रहा है पहले ज़माने में। और हाँ, आप देखिए, हम पहुँच गए हैं चावलों के पास। ये देखिए जो पके हुए चावल हैं, ये देखिए अभी तो बीच में से नहीं निकला, ये देखिए इसमें है, इसमें होगा ये चावल, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने ये देखा ही होगा, जिसे धांच कहते हैं। और इसको एक एक चावल जो जब निकलता है तो वो फिर हमारे खाने के काम आता है, मंडियों में भी जाता है और दुकानों पे भी जाता है, घरों में भी जाता है, सब पकाते हैं। वैसे भी आजकल लोग चावल बहुत शौक से खाते हैं, कभी बिरयानी के रूप में और कभी पुलाव के रूप में। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सब दिखा दिया है, और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी फ्रूट्स का सब। और मैं गांव में जो होता है, जैसे चूल्हे पे पकी हुई रोटी, चूल्हे पे पका हुआ सालन, वो सब आपको दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह अपनी सुबह की रूटीन, दोपहर की रूटीन, शाम की रूटीन, और जो मेरी लाइफ में है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। और हाँ जी, एक मेन बात, आपको तो पता है कि पाकिस्तान में कितनी तबाही हो रही है वो सैलाब की वजह से, और प्लीज़ आप उनकी जितनी मदद कर सकते हैं आप भी करें, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसका पेट भूखा रह जाए, और आपके मदद करने से उसके पेट में खाना चला जाए, और उसके दिल से एक दुआ निकले, वो आपको बहुत आगे तक ले जाए और कामयाब इंसान बना दे। और हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।